हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बेसिक कोर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेसन में और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जो अंग्रेजी के लगभग हर वाक्य में अपना खास भूमिका निभाता है, चाहे वह अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी प्रकार के अंग्रेजी वाक्यों में बस दो ही चीज़ों का खेल है और ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ज़रूरी वीडियो लेसन में आगे बढ़ते हैं और उस खास सीक्रेट के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपनी बात सरलता से समझाने के लिए सबसे आसान प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिया है और सबसे आसान सेंटेंसेस होते हैं इज, एम और आर वाले सेंटेंसेस। तो पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी वाक्यों की रचना करते समय हमें सबसे पहले दो चीज़ों को पहचानना है। पहला, जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट, और दूसरा, हिंदी वाक्य के उस आखिरी भाग की अंग्रेजी जो टेंस को व्यक्त करता है। और इन दोनों के बाद हमें सब्जेक्ट के बारे में बताई गई जानकारी या फिर अन्य शब्दों को रखना होता है। तो चलिए कुछ हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं तैयार हूँ, यहाँ मैं और हूँ की अंग्रेजी पहले रखेंगे। आई एम, फिर रेडी, आई एम रेडी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम समझदार हो, तुम और हो की अंग्रेजी यू आर, फिर वाइज, यू आर वाइज। अगला सेंटेंस, रोहन मेरा भाई है, यहाँ रोहन और है की अंग्रेजी रोहन इज माई ब्रदर, रोहन इज माई ब्रदर। तो चलिए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज, एम और आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर, इसके तुरंत बाद नॉट और फिर सब्जेक्ट के बारे में दी गई जानकारी या फिर अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं तैयार नहीं हूँ, पहले मैं और हूँ की अंग्रेजी आई एम, फिर नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम समझदार नहीं हो, यहाँ तुम और हो की अंग्रेजी यू आर नॉट वाइज, यू आर नॉट वाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम विद्यार्थी नहीं हैं, वह और है की अंग्रेजी ही इज नॉट अ स्टूडेंट, He is not a student. दोस्तों, अब आता है इस वीडियो लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले हम हाँ या नहीं उत्तर वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे वाक्यों की शुरुआत हिंदी वाक्य के उस आखिरी भाग के अंग्रेजी से करते हैं जो टेंस को व्यक्त करता है, उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में सब्जेक्ट के बारे में दी गई जानकारी या फिर अदर वर्ड्स रखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या मैं तैयार हूँ, यहाँ हूँ हिंदी वाक्य का वह आखिरी भाग है जो टेंस को दिखाता है और अंग्रेजी की शुरुआत यहीं से करेंगे। एम आई रेडी, एम आई रेडी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम समझदार हो, यहाँ हो हिंदी वाक्य का वह भाग है जो टेंस को शो करता है,
इस वाक्य की अंग्रेजी होगी आर यू वाइज, आर यू वाइज। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए कभी भी व्हाट का प्रयोग नहीं करते। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह विद्यार्थी है। इस वाक्य की अंग्रेजी होगी इज ही अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट। अब हम ऐसे हिंदी प्रश्नों की अंग्रेजी बनाएंगे जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि आते हैं। ऐसे प्रश्न क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन आदि से प्रारंभ होते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड्स को QW से प्रदर्शित करेंगे। QW के बाद यस नो आंसर टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रखेंगे, जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट यदि हो तो, और अदर वर्ड्स यदि हो तो। फॉर एग्जाम्पल्स वह क्या है, इसकी अंग्रेजी होगी वॉट इज दैट, वॉट इज दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कौन हूं। अंडरलाइन वाले शब्दों की अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं, हु एम आई, हु एम आई। तुम उदास क्यों हो, इसकी अंग्रेजी होगी वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड। नवीन कहाँ है, इसकी अंग्रेजी होगी वेयर इज नवीन, वेयर इज नवीन। तुम्हारी परीक्षा कब है, When is your exam? When is your exam? दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए केवल नियम एवं तरीके याद रखना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने का एवं बोलने का प्रयास करना होगा। दोस्तों अब हम is, am और are वाले different types के interrogative sentences का अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों यह प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, क्या मैं देर से आया हूँ, इसकी अंग्रेजी होगी एम आई लेट। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, एम आई रॉन्ग। क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, या कह सकते हैं आर यू सिक। क्या आप शिक्षक हैं, आर यू अ टीचर। क्या यह कैमरा है, इज दिस अ कैमरा। क्या वह सुनील है, इज दैट सुनील। यहां सुनील की ओर इशारा करते हुए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह तुम्हारा मित्र है, इज ही योर फ्रेंड। क्या गीता घर में है, Is Geeta at home? क्या अभी वह खाली है, Is she free at the moment? क्या ये तुम्हारे जूते हैं, Are these your shoes? क्या ये नए हैं, आर दे न्यू।
क्या हमें देर हो गई है? आर वी लेट? क्या थैला भारी है? इज द बैग हेवी? क्या यह रोहन की घड़ी है? इज दिस रोहन्स वॉच? क्या अमीर लोग सुखी होते हैं? आर द रिच हैप्पी? दोस्तों, द रिच मीन्स अमीर लोग. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राहुल रिया का भाई है? इज राहुल रियास ब्रदर? क्या आप शादीशुदा हैं? आर यू मैरिड? क्या हम बहुत जल्दी आ गए हैं? आर वी टू अर्ली? क्या वे लोग तैयार हैं? आर दे रेडी? क्या तुम खाली नहीं हो? आर यू नॉट फ्री? क्या तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है? आर यू नॉट वेल? क्या वह तुम्हारा मित्र नहीं है? इज ही नॉट योर फ्रेंड? दोस्तों, अब हम ऐसे हिंदी प्रश्नों की अंग्रेजी बनाएंगे जिनमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं. ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना चाहिए. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. यह क्या है? इसकी अंग्रेजी होगी What is this? क्या बात है? What is the matter? समस्या क्या है? What is the problem? कितना समय हुआ है? What is the time? तुम्हारा क्या नाम है? What is your name? आप क्या करते हैं या आपका पेशा क्या है पूछने के लिए कहें What is your job? यह कौन सा स्टेशन है? What station is this? तुम्हारी कार किस रंग की है? What color is your car? तुम्हारी पुस्तक कौन सी है? Which is your book? राहुल का घर कौन सा है? Which is Rahul's house? कौन सा वाला बेहतर है? Which one is better? कौन अनुपस्थित है? Who is absent?
रसोई घर में कौन है? Who is in the kitchen? कौन चालाक है? Who is clever? कौन तैयार नहीं है? Who is not ready? नवीन वर्मा कौन है? Who is नवीन वर्मा? तुम्हारे अंग्रेजी शिक्षक कौन है? Who is your English teacher? तुम्हारा मकान मालिक कौन है? Who is your landlord? दोषी कौन है? Who is guilty? इस कार का मालिक कौन है? Who is the owner of this car? यह किसका फोन है? Whose phone is this? वह किसका मकान है? Whose house is that? यह किसका काम है? Whose job is this? तुम किसके पुत्र हो? Whose son are you? मेरी कॉपी कहाँ है? Where is my notebook? रिमोट कंट्रोल कहाँ है? Where is the remote control? मेरा चश्मा कहाँ है? Where are my glasses? दोस्तों, चश्मा की अंग्रेजी glasses है और glasses plural number में आता है, इसलिए आर का यूज किया गया है। और इसी तरह के कैंची, चिमटा, इन सभी की अंग्रेजी हमेशा प्लूरल नंबर में आती है। कैंची कहाँ है? वेयर आर द सीजर्स? यहाँ भी सीजर्स प्रयोग किया गया है कैंची के लिए, यह भी प्लूरल नंबर है, इसलिए आर का यूज किया गया है। रागिनी कहाँ है? Where is Ragini? तुम्हारा भाई कहाँ है? Where is your brother? तुम उदास क्यों हो? Why are you sad? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? Why are you angry with me? तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई? Why are you so late? वह तैयार क्यों नहीं है? Why is he not ready? विनोद यहां क्यों आया है? Why is विनोद here? तुम्हारा जन्मदिन कब है? When is your birthday? तुम्हारी परीक्षा कब है? When is your exam?
कार्यक्रम कब है? When is the function? तुम्हारा स्कूल किस समय है? What time is your school? तुम्हारी अंग्रेजी की कक्षा किस समय है? What time is your English class? अगली ट्रेन किस समय है? What time is the next train? बैठक किस समय है? What time is the meeting? तुम कैसे हो? How are you? दीपक कैसा है? How is Deepak? घर कैसे हैं? How is everybody at home? यह पोशाक कैसी है? How is this dress? तुम कितने साल के हो? How old are you? यह घर कितना पुराना है? How old is this house? दोस्तों, इंसानों के लिए how old का अर्थ होता है कितने साल का या कितने उम्र का, और चीज़ों के लिए how old का मतलब होता है कितना पुराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कितने का है? How much is this? यह घड़ी कितने का है? How much is this watch? ये जूते कितने के हैं? How much are these shoes? यह कमरा कितना चौड़ा है? How wide is this room? तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? How many members are there in your family? थैंक यू दोस्तों। आज भी मैं यह नहीं कहूंगा कि आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आज भी मैं यही कहूंगा कि बिगिनर्स और स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो लेसन किसी गिफ्ट से कम नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।